हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाही फैमिली में आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं चीज़ें जो है कैसे बिखरी पड़ी है, सब कुछ मैंने हटा दिया है यहाँ से। तो आज जो है हमने प्लान किया था डीप क्लीनिंग के लिए, तो दो हफ्ता या फिर 2 से 3 हफ्ते में एक बार क्यों ना हो हम डीप क्लीनिंग करते हैं। तो इससे जो है बाकी सारे रूम्स वगैरह भी है वो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, और जो कुछ चीज़ें पलंग नीचे या सोफ़ा के नीचे चली जाती है वो भी हमको मिल जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं रियान और शाहिरा भी मुझे हेल्प कर रहे हैं, और शाहिरा की मस्ती चल रही है। तो यहाँ आप शाहिरा की मस्ती देख सकते हैं। तो ये रिस्की है एक्चुअली, वो इस तरह से खेल रही है, पर ध्यान भी रख रहे हैं हम। पर अभी लॉकडाउन के चलते कहीं जा नहीं पा रहे, इसलिए वो जो छोटे छोटे मोमेंट्स घर में इंजॉय करती है उसके लिए मैं उसे रोकती नहीं हूँ। तो बस देखिए उसकी मस्ती। क्लीनिंग जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, बस अभी सारी चीज़ें जो है मैं वो ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी और सब सही तरीके से सेट कर लूँगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपसे कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की है, बस क्लीनिंग किया है। काफ़ी सारा समय इसी में लग गया था मुझे, और क्लीनिंग के बाद जो है कुछ प्रिपरेशन की थी मैंने नॉन वेजिटेरियंस के लिए स्पेशली। तो बस इसके बाद एक्चुअली मैंने बनाया था चिकन करी, जो मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया है, अगर कर लेती तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती। तो चिकन करी का जो रेसिपी है मेरे अगली वीडियो में है, तो आप वो ज़रूर देखिए। और क्लीनिंग करने के बाद हम थक गए थे, तो बस रिलैक्सिंग के लिए मैंने बना ली थी चाय, जो ऑल टाइम फेवरेट है मुझे। तो यहाँ जो है अभी मैं किचन में सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सारे डिब्बे किचन स्लैब वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया था, गैस क्लीन कर लिया था। तो उस समय जो है मैंने सारे पोजिशन चेंज कर दिए थे ज़रूरत के हिसाब से। तो बस अब वही चीज़ें फिर से दोबारा से अपनी अपनी जगह पर सेट कर रही हूँ। और यहाँ देखिए शाहिरा मैडम की मस्ती, तो अभी वो बस कैमरे के सामने आई है और उसको फेस करना है आप लोगों से, तो अभी वो बात करेगी आपसे। लंच में मैंने बनाया था चिकन करी, और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ प्रिपरेशन। तो यहाँ मैंने बना लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, सेम इक्वल रेशियो में लेकर उसको अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया और पीस लिया था नमक और ऑयल डालकर, वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। और यहाँ जो है नारियल का पाउडर है, नारियल का बुरादा, तो उसको मैं भून लूँगी अच्छे से, जब वो ब्राउन हो जाएगा तो उसको मैं अच्छे से फाइनली पीस लूँगी। तो ये जो है ये करीब 1 हफ्ते तक के मुझे यूज़ हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये कितने अच्छे से फाइनली मैंने पीस लिया है। तो यहाँ जो है 2 किलो चिकन है जिसको मैंने इक्वल में डिवाइड कर लिया था, और एक पोर्शन जो है वो मैरिनेट करके मैं रख लूँगी, जो मुझे अगले 3 या 4 दिन में कभी भी यूज़ हो जाएगा, या करी बनाओ या बिरयानी बनाओ उस हिसाब से। तो यहाँ मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके रख लिया, और एक पोर्शन जो है मैंने लंच के लिए यूज़ कर लिया था। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूले, मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और मुझे कॉमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना ना भूलें। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, बाय बाय।